अच्छा, इस बार आप लोग भी जो भी दीदी सवालों के जवाब दें उसे अपने फार्म में जरूर भर लीजिएगा, ठीक है? दीदी, और कितनी दूर है आपका खेत? बस दीदी आ गए, ये तो रहा मेरा खेत। अच्छा, यही है आपका खेत? हाँ दीदी। दीदी एक बात बताइए, आपने रोपाई किस तारीख को की थी? दीदी हमने गेहूं के रोपाई 6 दिसंबर को की। 6 दिसंबर को? अच्छा, रोपाई करने से पहले गेहूं के बीज का उपचार किया था ना? दीदी हम रोपाई से पहले बीज उपचार नहीं किए थे। अच्छा दीदी, ये बताइए कि बीज से बीज की दूरी आपने कितनी रखी थी? दीदी बीज के बीज से दूरी हमने 8 इंच रखी थी। अच्छा, और लाइन से लाइन के बीच की दूरी आपने कितने की रखी थी? दीदी लाइन से लाइन की दूरी भी हमने 8 इंच की रखी थी। दीदी बीज से बीज की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी के बीच में आपने कितने बीज रोपे थे? दीदी बीज के दूरी और लाइन से लाइन की बीज की दूरी हम 3 और 4 बीज रोपे थे। ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले आपने वीडियो देखने में अपना समय हमें दिया और अब जांच करने में। तो दीदी ये सब तो हमारे अच्छे फसल के लिए ही ना आप किए थे। ठीक है, अब आप यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। दीदी अब चलते हैं। प्रणाम। और आप लोग भी अब समझ गए ना कि जांच कैसे की जाती है? हाँ दीदी, बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि जांच कैसे की जाती है और जांच करना क्यों जरूरी है। और दीदी सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब फार्म का हर कॉलम सही सही भर गया है। अब तो फार्म भरना बिल्कुल आसान हो गया, क्यों सुधीर? बिल्कुल ठीक है, तो अब चलते हैं। चलिए दीदी।